हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग ना रेडी हो गए सुबह उठने में, सबके सब बहुत लेट हो गए थे। आंटी लोग उठ गए थे बट हम लोगों ने अलार्म वगैरह कुछ नहीं लगाया था तो हम लोग उठे नहीं। हम लोग 7 बजे उठे, फिर फटाफट रेडी हुए तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी शूट करूँ। जल्दी से रेडी हो गई हूँ एंड हाँ, मैंने गेट रेडी विद मी किया है तो वो मैं शॉर्ट्स पर डालूंगी, देखना बिल्कुल मत भूलना। अभी हम चलते हैं। मैं बस रूम में बैठ गई, हिमांशी का फ़ोन नहीं मिल रहा था, मैं वो ढूंढ रही थी। आदि ने उसका फ़ोन छुपा दिया था, वो इतना परेशान हो रही थी तो वो भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं रेडी नहीं हुई थी। एक बार रूम चेक कर लेते क्योंकि हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे एंड सामान हम लगेज रूम में ही होटल में रख के मंदिर जाएंगे। फिर मंदिर से आके हम ड्यू के लिए निकलने का प्लान था, इसलिए सुबह जल्दी उठने का था कि मंदिर के जल्दी से दर्शन करके ड्यू के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से हम लोग को 2.5 आवर समथिंग लगने वाला है तो आज हमारे पास आज का ही दिन है, फिर हम लोग की कल ट्रेन है तो सब आज ही करना है तो जल्दी से चलते हैं। लेट्स गो, नीचे चलते हैं जल्दी से। फोन साइलेंट करके छुपाया था, वाइब्रेट करके छुपा दिया था। दो बार प्रैंक कर चुका है अपन लोगों के साथ में, अब इसके साथ प्रैंक करेंगे। ब्रेकफास्ट में है क्या, क्योंकि मुझे करना नहीं है बट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या है। इडली है, सांभर है, पोहे है, सब वही रखा हुआ है। ये अपने ढोकले एंड कॉर्न्स हैं, अप्पे एंड पराठे, बहुत सारी वैरायटी है, पूड़ी सब्जी, आलू की सब्जी एंड इट्स चावल की खीर स्वीट्स में, बहुत सारी वैरायटी है यार यहाँ ब्रेकफास्ट में। बट हम कुछ खाने लगता है, हम हमारा फास्ट है। क्या बोल रही हूँ, हम लोग पूल साइड देखने के लिए आए हैं यार, कितना सही लग रहा है। अपन जा नहीं पाए लेकिन ना सही है, वापिस रूम में आए, यहाँ से चेकआउट नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी हमें पता चला है क्योंकि हम ड्यू से वापस शाम को यहीं आने वाले हैं तो हम लोग जहाँ ड्यू जाएंगे तो हमें कपड़े चेंज करने रहेंगे, वो कपड़े लेने आए हैं। वो अच्छा हुआ हमें टाइम से पता चल गया, तो फट हिजा रही है क्योंकि सब नीचे हमारा वेट कर पीछे नहीं बनने का। हम लोग पहुंच गए मंदिर, अब देखते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे क्योंकि आज है सावन सोमवार। हम लोगों ने टीका लगवा लिया है दोनों ने और ये पूजा के लिए ये भी लिया है। अब जल्दी से चलते हैं, बहुत भीड़ हो रही है आज। हम लोगों ने ना अभिषेक के लिए बुकिंग करा ली है, पापा मम्मी बता रहे हैं आधा घंटा लगेगा अभिषेक में, उसके बाद में बढ़िया से दर्शन कर लेंगे और फिर निकलेंगे दिल के लिए। संभवा यचमयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतराय च। चलो अभिषेक हो चुका है और बहुत ज्यादा गर्मी है, फाइनली हम तो बाहर आ गए, अभी पंडित जी ऊपर आएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। तो हो गया और अभी लाइन बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, इतनी लंबी लाइन है। अभी हम लोग ले रहे हैं नारियल पानी, हमारे तो 40 मिल रहे हैं, ओगरा 50 का दे। देखने वालों से गुजारिश है कमेंट में गालियां ना लिखें। हमने चाबी लगा के अब कार्ड छोड़ के गेट लॉक कर दिया। ये किसका काम था? ये इसका ही काम था, यही हो सकती थी, मुझे पूरा भरोसा। तेज बारिश हो रही है, हम ड्यू में बारिश ना मिले बस हम लोग यही सोच रहे हैं। ड्यू है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, दमन एंड ड्यू है। इसका ये आईडी हुआ क्या है? दमन थोड़ी ना है, सिर्फ ड्यू है। दमन तो भाई क्या ड्यू, हमने ड्यू दमन का यार, दमन है ही नहीं।
कुछ नहीं हो सकता, आप देख रहे हो जनरल नॉलेज का अच्छी भी नहीं है इधर। बिल्कुल भी नहीं है, पसंद है आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग को पसंद है कि नहीं बारिश। ऐसे रूम में हो कहीं और बारिश हो तो अच्छा लगता, मस्त जाके। हम लोग ड्यू पहुंच गए हैं और यहाँ पर हो रही है बारिश, मजा आ जाएगा। हम कैसे एंजॉय करके जा रहे हैं, मजा आ रही है। कुछ भी कहो कि एक ट्रिप पे कुछ गड़बड़ी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है हम लोगों के साथ, तो ये गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर बारिश हो रही है, मैं सोच रही थी मैं बारिश में गीली नहीं होंगी, लेकिन मैं फाइन गीली हो गई हूँ, बट मजा आ रहा है। ये हम लोग देखने जा रहे हैं कि जेल के अंदर क्या है। खुली हुई है जेल, गीले हो चुके हैं हम लोग बारिश में। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है घूमने में धीमी धीमी बारिश में, जब गाड़ी में जाके बैठेंगे ना हम लोग तब एकदम घिच लगने वाला है हम लोगों को। तो बहुत बड़ा फोर्ट है बट बारिश हो रही है तो हम लोग पूरा नहीं घूम पा रहे। यहाँ चाय पी रहे हैं सब लोग, बेकार चाय है यार। अति पास में 2 मिनट के रास्ते पे चर्च था तो हम लोग चर्च आए हैं अभी। बहुत पुराना चर्च है आप देख सकते, देख के लग रहा है गीले हो चुके हैं। और अब गाड़ी में बैठने के बाद बहुत ऐसे किचकिच लग रहा है, पैरों में पानी ऐसे लगता है। चर्च था। बहुत ही प्यारा व्यू है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह, हम लोग अभी आ गए हैं INS कुकरी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑटो चलते हैं वो घुमाएंगे। हम इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठ गए हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो नहीं है ये, डिज्नीलैंड वाली क्या है राइड है, आप देख सकते हैं इससे पूरा व्यू दिखेगा आपको। कंकेश्वरी माता जी का मंदिर है यहाँ। पूरी गीली हो चुकी हूँ, मजा आ गया यार। वापस ऊपर जा रहे हैं, मजा बहुत आया। क्यों आदि, बहुत ज्यादा मजा आई हमें और यहाँ की बेस्ट हमारे टूरिस्ट स्पॉट में हमें बेस्ट जगह लगी। हाँ, और वो जो लहरें आ रही थी मंदिर के अंदर वो बहुत सही थी, वो बेस्ट थी। क्यों ऊपर तक आ गए, अब हम लोग सोच रहे हैं कि चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट टाइप का यहाँ पे फास्ट फूड मिल जाएगा, तो आदि और हिमांशी कुछ खा लेंगे और मैं उतनी देर में चेंज कर लूँगी। मुझे और हिमांशी दोनों को ही चेंज करना है क्योंकि हम लोग थोड़े गीले भी हो गए। यहाँ सब कुछ लॉक है यार, यहाँ पे
क्या है खाने के लिए, चलो अपन देखते हैं। यहाँ हम लोगों को कुछ खाने के लिए पसंद नहीं आया, वही इडली डोसा है जो कि सुबह इन लोगों ने ब्रेकफास्ट करा था, तो इन लोगों को खाना नहीं है, तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और चेंज करने के लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली, फालतू में मैं इतना भारी सा बैग निकाल के लेकर आई हूँ। कुछ खाने को मिला नहीं तो यहीं पर खाकरा और बिस्किट खा रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हो। और मुझे बीच में बिठाए जिसका व्रत है वो मेरे अगल बगल बैठ के खा रहे हैं, देख लो पाप पड़ेगा तुम लोगों को, पाप पड़ेगा। अरे मेरा फोन क्या है यार, बंद कर। वैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आधा घंटा नहीं, आपको तू देख ले, ड्राइवर अंकल भी बोल रहा है क्या करना है, ठीक है। गंगेश्वर टेम्पल आ गए हैं, अब हम फिर गाड़ी में बैठ भी नहीं पा रहे हैं थोड़ी देर। देखो इग्नोर करके चला गया लड़का मुझे कबूतरों का शूट करने। बट अरे वेट, हम आ गए हैं नागवा बीच। अभी को लगी है बहुत तेज भूख और सब यही देख रहे हैं कि कहाँ उसको कुछ खिला दिया जाए। आदि भाई चाय नहीं पिलाई है तूने, आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, टाइम लिमिट निकल चुकी है, लेकिन चाय जरूर मिल गई है। हम यहाँ से ट्रैफिक हो गया है, सामने साइड में वहाँ आके बैठ गए और ये लोग कर रहे हैं कि क्या खाना है। पॉइंट टू बी नोटेड। आप क्या लेकर आई हो? क्या ले आए आप? ये मम्मी है हमारे लिए फलारी नमकीन लेकर आई है, ये खा लेते हैं। फाइनली चाय आ गई है, लेकिन डेयर के अकॉर्डिंग नहीं आई आधे अंदर, आई कितनी देर में? डेढ़ घंटा, कम से कम डेढ़ घंटे में आई है, कोई एक घंटा नहीं है। घर को अच्छी चाय पिलाने की बात हुई थी आदि, अच्छी चाय नहीं आई है, मेरे टाइप की चाय तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ और ये बिना अदरक की चाय और उसमें टेस्ट भी अजीब सा आ रहा है। यहाँ 3 महीने बीच बंद रहते हैं बारिश के टाइम पे और हम बीच पर नहीं जा सकते, बस यहीं से नज़ारे देखते हैं, तो आप लोग भी देख लो मेरे साथ में। अब हम यहाँ से रिटर्निंग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है सोमनाथ जाकर। सोमनाथ में हम मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे एंड सोमनाथ बीच अगर ओपन हुआ बाय चांस तो वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर एक्सप्लोर कर लेंगे, तो वापस चलने का प्लान है। बिकॉज यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ रुकने तो देंगे नहीं, यहाँ पर बीच में जाने नहीं देंगे, सो लेट्स गो।
दीप का जो ट्रिप था वो सक्सेसफुली हो गया है, हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। कैसा रहा दीप का ट्रिप? बहुत अच्छा, मजा आई। लेकिन कम टाइम के लिए आए थे हम, लेकिन मजा आई, सब जगह एंजॉय करा हमने, हर जगह पांच जगह पन्नी कवर करी ना। हाँ, दीप एयरपोर्ट है, थोड़ा सा आपको झलक दिख जाएगी एयरपोर्ट की, पीछे है एयरपोर्ट। तो अभी हम लोग ऑन द वे हैं सोमनाथ के लिए। मेरे फोन में ना कचरा भी बढ़ जाता है। ये क्या कर रहे हो रहे तुम लोग? मैं टॉयलेट करवाने छोटे बच्चे अभी ना, यहाँ शाम के 7:20 हो रहे हैं, बट आप देख सकते हो बहुत ज्यादा उजाला है यहाँ पे, ऐसा लग ही नहीं रहा। बाकी भोपाल वगैरह में उस साइड बहुत जल्दी रात हो जाती है, यहाँ तो यानी कि शाम हो गई है। सारे देखो आप बाहर होटल वापस आ गए थे, मैं, हिमांशी और आरती, बाकी सब लोग ना मार्केट चले गए। उन लोग का बहुत मन था मार्केट जाने का, मन तो हम लोगों का भी था, बट मेरे अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं मार्केट घूम पाऊँ, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था मुझे, इसलिए मैं वापस होटल आ गई। तो ये लोग भी मेरे साथ ही आ गए, एंड अभी जस्ट मैंने चाय ऑर्डर करी है, क्योंकि इन लोगों ने कहा है जब हम वापस आएंगे उसके बाद ही सब खा डिनर साथ में करेंगे, तो इसलिए हम लोग को वेट करना है और मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है। तो अभी हम लोग चाय ऑर्डर कर रही है। एक तो इस कार्ड का बहुत इशू है, ये वर्क भी नहीं कर रहा है ढंग से। मैं लगा रही हूँ तो गेट ही ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं डीएक्टिवेट हो गया ये कार्ड, ओपन ही नहीं हो रहा है। आधी फोन लगाना तुम नहीं खुल रहा है। मम्मा पापा आ गए वहाँ डिनर के लिए और मैंने स्लीपर्स भी नहीं पहनी, वैसी घूम रही थी। टॉमी डांस कर रहे हैं। मस्त हवा चल रही है और हम ऐसे रोड पे निकल चुके हैं। हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली माधव रेस्टोरेंट, माधव होटल एक्चुअली में। सब्जी में है मिक्स वेज और सेव टमाटर की सब्जी और रायता और पापड़ पूड़ी। दाल चावल में कौन शक्कर डालता है? दाल में कौन शक्कर डालता है? इसमें शक्कर डाली हुई है, मैंने कुछ भी नहीं खाया ढंग से। हमारी हालत बहुत बुरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, कल जो हम माधव होटल गए थे वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। वो ये दूसरी ब्रांच नहीं है, ये इसका नाम भी माधव होटल है, बट यहाँ का खाना उतना ही थर्ड क्लास है, यहाँ का फोर्थ क्लास है। यहाँ के खाने में कोई टेस्ट नहीं है ना, दिमाग खराब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। We are going to दूसरा तीसरा होटल भी नहीं जाना, मेरे को जाना है अपना होटल जिसमें हम रुके हैं। डिनर करके आ गए, मैं रूम में आ गई हूँ, बाकी सब बाहर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है अब तो, बस मुझे सोना है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है मेरी, तो मैं सोती हूँ। मेरी शक्ल भी आप कैसे एकदम मुरझाई हुई सी लग रही होगी। तो हम मिलते हैं सुबह, गुड नाइट फ्रेंड्स। हम लोग उठकर आ गए हैं स्विमिंग पूल में सुबह सुबह और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो हिमांशी का बहुत ज़्यादा मन था कि उसको स्विमिंग पूल में जाना है, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं और अब वो जाएगी स्विमिंग पूल में, मम्मी पापा भी जाएंगे। मेरे को ज़्यादा मन नहीं है जाने का, तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे बैठूँगी, इन लोग को देखूँगी और ये लोग इंजॉय करेंगे। तो हम लोग इनको देखते हैं। जाओ तुम लोग, खड़े क्यों आप? मेरे को नहीं नहाना, मेरे नहीं कर, मैं नहीं उतर रही हूँ। ये लोग ही उतरेंगे और मैं तो सिर्फ पैर डाल के बैठ जाऊंगी यहीं पे बस। हम लोग आगे, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है। ब्रेकफास्ट में क्या है? मैंगो जूस है, मिल्क है, कॉर्नफ्लैक्स है, चॉकलेट फ्लैक्स है, एंड यहाँ पर फ्रूट्स हैं, एंड सैंडविच है, कुकीज़ हैं, चाय दूध का ऑप्शन, चाय और कॉफ़ी का ऑप्शन मिल जाता है, सॉरी, और ब्रेड बटर, सांभर है, पोहे हैं। आज हमारी ट्रेन छूटने के पूरे पूरे आसार हैं, सिर्फ आदि की वजह से, आदि ने लेट कराया। अब पापा का
ऑटो वाले को फोन लगा रहा है। 10 मिनट वाले ट्रेन निकल जाएगी। 10 मिनट नहीं, सामान नहीं था ना, हम रूम में गए थे अभी 5 मिनट पहले, सामान नहीं था भाई। मौसम ने मेरा सामान निकाल लिया ट्रॉली में। रूम में कुछ नहीं, सफाई होगी सब। हम दूसरे रूम में घुस गए थे। ये बोल रहा था कि पूरा रूम खाली है, यहाँ सामान रखा रहा है। हम लोग सेकंड फ्लोर पे चले गए। फाइनली ऑटो तो आया। कम से कम उसको बोला भाई तू उड़ा दे कुछ भी कर, रेलवे स्टेशन पहुंचा दे। ट्रेन छूट गई ना तो हम दोनों का मटर हो जाएगा, आदित्य और मेरा। फाटक बंद है, दूसरा ऑटो ले रहे हैं सट आगे। आज हम लोगों ने ना जैसे तैसे ट्रेन पकड़ ही ली थी, दो जगह रेलवे क्रॉसिंग पड़ ली है। सोमनाथ से पैरामल जब आते हैं तो हम लोगों को एक रेलवे क्रॉसिंग बंद रही थी और ट्रेन को सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। तो हम लोगों ने फटाक से रेलवे क्रॉसिंग इसके साइड आए और दूसरा ऑटो पकड़ा और जल्दी जल्दी सामान डाला। ट्रेन को 5 मिनट थे, 5 मिनट भी नहीं होंगे रेलवे स्टेशन पहुँचे। जल्द जो सामने हम लोगों को कोच दिखा, स्लीपर कोच था हमारे सामने, हम उसमें ही चढ़ गए। ट्रेन को ऐसे ए सी पर आने का रास्ता ही नहीं था, फिर उतरे एक बार उतरे फिर वापस चढ़े क्योंकि हमें लगा ट्रेन चलने वाली है। फिर उसके बाद में ट्रेन नहीं चली तो हम वापस उतरे पूरा सामान लेके। फिर उसके बाद फिर हम आए और फिर हम लोगों ने एसी में अपना सामान चढ़ाया और फिर वहाँ से 8 डब्बे इधर आए हम चढ़ के। ऐसी हालत ख़राब हो गई थी, इतने डरे हुए थे मैं और आदित्य। तो बस हम लोगों ने ट्रेन पकड़ ली थी, फिर थोड़ी सी डांट खाई थी तो मूडा हो गया था। फिर मैंने कोई वीडियो वीडियो नहीं बनाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ मैंने सोचा। तो यही आज की अपडेट थी। थोड़ा सा ट्रिप में जब तक इंटरेस्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता है, तो यही हमारी ट्रिप का ट्विस्ट था। फोन नहीं खेलते छोटे बेबीज, फोन नहीं खेलते। दीदी को दे दो, दीदी को दे दो वापस, प्लीज दे दो, दे दो। अपन और कुछ खेलेंगे ना। अच्छा हम ब्रेकफास्ट के बाद में भूख ही नहीं लगी था हम लोग, अभी थोड़ी सी भूख लगी है। मतलब लंच स्किप ही हो गया हम लोग का भी, थोड़ा भूख लगी है। क्या खा रहे हैं? चॉकलेट। इतने बड़ा भाव होना पता नहीं कैसा, ट्रेन का तो मुझे खाना ही पसंद नहीं है। और यही घर का खा रहे हैं, मछली और कुकीज। डिनर के लिए क्या ऑर्डर करना चाहे उसका डिस्कशन चल रहा है, सब कंफ्यूज है क्या बनना है क्या नहीं बनना है। ये हमारा खाना आ गया, और ये 10 रेस्टोरेंट। खिचड़ी अच्छी है ले बेटा आदि।